प्रदेश की वसुंधरा सरकार पर श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाते हुए अब कभी सत्ता से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन का खुला ऐलान कर दिया है। अन्य कर्मचारी संगठनों की तर्ज पर आज मजदूर संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी करने का खुला आरोप लगाया। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठनों ने आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जलदाय विभाग के कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी और रोडवेज कर्मचारियों ने इस धरने प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करने वाले संगठन के सदस्यों ने सरकार पर कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाने का भी खुला आरोप लगाया। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय आह्वान, आज भारतीय मजदूर संघ के प्रत्येक जिला मुख्यालय नीति आयोग के विरोध में और स्थानीय मांगों के विरोध में हमने एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। जो रैली जिला परिषद कार्यालय से प्रारंभ होकर कलेक्टर कार्यालय तक आई है और रैली में जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है वो बिल्कुल मान्य नहीं है, नीति आयोग नहीं है, यह नीति आयोग है। इसे जन जागरण हेतु आज हमने ये कार्यक्रम किया है और स्थानीय मांगों में जो है राज्य सरकार केंद्र के समान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें और वर्तमान में आंगनबाड़ी को जो ESI और PF स्कीम से जोड़ा जाए और जब तक इन्हें नहीं जोड़ा जाता तब तक 10,500 रुपये प्रति माह इनका भुगतान किया जाए और रोडवेज को नहीं बसे समय पर वेतन और ठेकेदारी और निजीकरण का विरोध स्वरूप आज हमने ये कार्यक्रम किया। भारतीय मजदूर संघ की अजमेर जिला इकाई के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए सरकारी नीति के तहत उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अनेक कर्मचारी नेताओं और वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाते हुए कर्मचारी नेताओं ने सरकार की मंशा के विपरीत अब आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस धरने प्रदर्शन के दौरान मौजूद आशा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि करने के साथ 15,000 रुपये प्रति माह किए जाने और दुर्घटना होने की स्थिति और मौत होने पर 5,00,000 रुपये मुआवजा देने की भी मांग की। वरिष्ठ और योग्यताधारी आशा सहयोगियों को चयन के लिए प्राथमिकता देने की मांग के साथ कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की अस्पष्ट और भ्रामक नीति के कारण मजदूर जगत में उहापोह की स्थिति बनी हुई है।